नगर पालिका व तहसीलदार द्वारा शहर में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया। तहसीलदार व नगर पालिका CMO ने शुक्रवार को शहर में दो स्थानों पर अवैध रूप से कब्जे कर किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंचे। इस दौरान राजस्व एवं नगर पालिका अमले ने शहर की महाराणा प्रताप कॉलोनी में खेतवाली माता मंदिर समिति ट्रस्ट की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया है। इधर तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसी ने बताया कि समाज सेवी सुशीला रानी मौर्य ने करीब 20 साल पहले ब्राह्मण बच्चों की पढ़ाई के लिए वेद भवन का निर्माण करने के लिए उक्त जमीन दान में दी थी, जिस पर जयप्रकाश पुरोहित नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि दो बार पूर्व में भी उक्त भूखंड से न्यायालय के आदेश से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जयप्रकाश पुरोहित ने फिर से पक्का निर्माण कर लिया, जिसे आज फिर से हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान जयप्रकाश पुरोहित के पिता और पत्नी ने कार्यवाही रोकने का प्रयास किया। इधर तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसी ने सिटी कोतवाली पुलिस को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के दौरान जयप्रकाश पुरोहित उसके पिता और पत्नी पर कार्यवाही में बाधा डालने की शिकायत की है। जो कार्रवाई चल रही है यथावत चलती रहेगी, उसका आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आई समझ में बात? नहीं भाई साहब, ऐसा मत करो, अन्याय मत करो मेरे साथ। कोई अन्याय नहीं हो रहा हमको भैया, हमने ये सरकारी अस्पताल में जगह हमारे परिवार ने दान की गई है। मैं 250 के तहत तहसील कार्यालय में केस चल रहा था, केस में इनका अवैध कब्जा पाया गया। इसको पहले सीमांकन भी हुआ था, सीमांकन करके बता दिया था, एक बार पूर्व में भी इनका अतिक्रमण हटाया था, लेकिन इन्हें डबल से बना लिया। आज फिर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी कर रहा है। 900 वर्ग फुट के लगभग है। न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।